अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कलमरा। पाव किलो चावल लिए हैं, नए चावल हैं। आप कोई भी चावल ले सकते हो, लेकिन सादे चावल होना चाहिए। इसको मैंने धो दिया है, भिगो कर रख दिया है। इसको मैं प्रेशर कुक कर रही हूँ, सीटी बज रही। पाव किलो चावल ज़्यादा पानी डाल के मैंने प्रेशर कुक कर लिया, और प्रेशर कुक करने के बाद सिम पे इसको रखा था सीटी बजने के बाद से 10 मिनट तक। प्रेशर कुक करने के बाद इसको इस तरह से मैश कर दिया चमचे से ही। अब ये गरम गरम है, इसलिए मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ। 1 कप शक्कर डाल के मिक्स कर देंगे। शक्कर है, शक्कर जो है जल्दी मेल्ट हो जाएगी, गरम है इसलिए। इसलिए मैं पहले ही शक्कर इसमें ऐड कर रही हूँ। मैश्ड चावल में 1/2 किलो दही डाल देंगे। पाव किलो इसमें मावा भी ऐड कर देंगे। आधा कप और शक्कर डाल देंगे, शक्कर कम है। इस मिक्सचर को मिक्सी में ग्राइंड कर दिया है। अब इसको एक थाली में निकालेंगे। देखिए 3 प्लेट की स्टफिंग तैयार हो गई है। अभी हम इस पे गार्निशिंग करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे इसकी। सबसे पहले हम इस पे कोकोनट पाउडर की गार्निशिंग करेंगे। आप इस पे अपने मनचाहे फ्रूट ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जैसे कि किशमिश, किशमिश की 1 लेयर, उसके बाद पिस्ते की 1 लेयर, उसके बाद काजू की 1 लेयर, उसके बाद बादाम की 1 लेयर। इसके बाद हम इस पे ड्राई फ्रूट्स बादाम पिस्ते की गार्निशिंग करेंगे। इसको आप 3 दिनों तक, या जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक आप फ्रिज में रख रख के इसको कंज्यूम कर सकते हो। अनार, अनार सबसे मेन इंग्रेडिएंट है इसका। अभी इसके ऊपर अनार डाल देंगे। आप इसको कोई भी ओकेजन पे बना सकते हो, कोई भी फेस्टिवल के टाइम, कोई भी पार्टी में, कोई भी ओकेजन पे इसको बनाया जा सकता है। कलमरा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।